सो वी हैव सीन दिस डायग्राम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सूरजमुखी वाला डायग्राम जो मैं इसको बोलती हूँ. एंड सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स, जो रो की तरह दिखता है. कॉलम विच लुक्स लाइक अ वर्टिकल कॉलम, ओनली वन कॉलम जिसके पास होता है. ओके, देन देयर इज अ जीरो और नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी ये चार भाइयों को देखा था हमने, है ना, और हमने स्टोरी बनाई थी कि कैसे इनको याद रखे, है कि नहीं, सबको याद है वो स्टोरी? यस. हाँ ओके, मुझे बताओ कौन बताएगा, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी, ये चार भाई है. ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो कि जो स्क्वायर है वो बाप है, सबका बाप है, और उसके बाकी के जो है वो उसके चिल्ड्रन है. सो डायगोनल सबसे बड़ा भाई, उसकी क्या खासियत है, कौन बताएगा? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. एंड डायगोनल एरर एंड इज गोइंग बी एनी नंबर. करेक्ट पाथ, वेरी गुड. यस, सो डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल के ऊपर नीचे सब जीरो, बट डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग. ओके, यस, इट एक्सेप्ट्स एवरीवन, वेरी गुड स्नेहा. तो वो क्या है, बड़ा भाई है, सबको साथ लेके चलेगा. सबको, सबको मतलब क्या, हर एक एलिमेंट को लेके चलेगा. उसका छोटा भाई है स्केलर, स्केलर का खासियत क्या है? यस करेक्ट, सो डायगोनल में सारे सेम नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर चलेगा बट सेम एलिमेंट. सिर्फ नंबर ही नहीं, अगर मैं 555 के जगह पे a भी लिखूं तो भी चलेगा. बट कोई भी एलिमेंट चलेगा, तो वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स को लेके जाएगा और उसके सारे फ्रेंड्स सेम दिखते हैं, है ना, थोड़ा सा जिद्दी है वो इसीलिए. अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका क्या खास बात है? यस पार्थ, वेरी गुड. सो नॉन डायगोनल आर जीरो, बट डायगोनल कैन ओनली बी वन, सिर्फ और सिर्फ वन, वन के जगह पे कोई और नहीं. तो ऐसा होता है आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा एटीट्यूड. करेक्ट, इसलिए वो सिर्फ खुद को लेके डायगोनल एलिमेंट्स बनाएगा. राइट, वन वन वन, मतलब आई मी माई सेल्फ, है ना. ओके, वंडरफुल. इसके बाद हमने देखा है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक होता है अपर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर. करेक्ट, फिर स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक. तो उसकी जोड़ियां याद है, कौन सी जोड़ियां चेक करनी है हमें हमेशा? यस, देन वी हैव सिंगुलर मैट्रिक्स. तो सिंगुलर माने अगर डिटर्मिनेंट जीरो है देन इट इज सिंगुलर. एंड ट्रांसपोज, सो ट्रांसपोज इज नॉट अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बट फिर भी उसको टाइप में ही लिखते हैं. सो इट इज अ ऑपरेशन दैट वी डू बेसिकली, बट इट इज नॉट अ टाइप. सो ट्रांसपोज माने स्लीप इज इक्वल टू वेक. ओके, तो जो लोग मेरे लास्ट टाइम के बच्चे हैं, जिन्होंने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, सबको ये बराबर समझेगा. दोज हु आर न्यू, थोड़ा सा पेशेंस रखो. जैसे ही आप सारे वीडियोस देख लोगे ना, तो आपको भी ये सारे जो हम हमारे जो सीक्रेट वर्ड्स हैं, ये बाहट हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे. ठीक है, ओके, सो लेट्स गो आगे. लास्ट टाइम हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था इस टॉपिक का, जो कि था कि क्लासिफाई करना है मैट्रिसेस को, वो आपने बड़ी अच्छे से किया था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू मोर सम्स ऑन इट. ओके, अ फ्यू मोर सम्स. सो बेसिकली देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर? ओके, सो सिंगुलर, सिंगुलर माने डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं है. अगर जीरो है तो सिंगुलर, नहीं है तो नॉन सिंगुलर. ओके, सॉल्यूशन,
नंबर टू. तो मैं कैसे सॉल्व करी, देखो एक्सरसाइज 4.4 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड सम. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वही. जो भी मैं बाकी के छोड़ती हूँ ना, वो आपका टास्क है, आपको कंप्लीट करना है. ओके यस. सो 5 1 6 0 99 99 500 105. अभी मुझे बताओ क्या आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे. Yeah. Shall we find out the determinant and use all 99 and 100? No. Very good, Sanika and Sneha. Correct. So, no, we are not going to find the determinant, guys. हम लोग ना थोड़ा सा cheating करेंगे. Yes. So, cheating करेंगे, इसका मतलब क्या? Properties use करेंगे. So, Sanika is saying C3 equals to C3 minus C1. Okay. हाँ, कर सकते हो. Very good. बहुत अलग अलग वेज है, बट मैं एक वे आपको बता रही हूँ जो सानिका ने सजेस्ट किया है. C3, अभी ये मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिखती हूँ, इक्वल्स टू C3 माइनस C1. अभी ऐसा क्यों किया, चलिए देखते क्या होता है उससे. तो C3 में सबसे पहला बंदा कौन है? 5 माइनस C1. C1 या C2, सॉरी आई रेड बाय मिस्टेक. C3 माइनस C1, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा 99. ओके हाँ वैसा भी चलेगा. C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1 भी चलेगा. यस पार्थ, सो देयर आर मेनी वेज. ओके C2 इक्वल टू C2 प्लस C1 भी चलेगा. ओके तो आपको जो लगता है ना वो आप ट्राई करो. मैं एक कोई तो लेके आपको समझाती हूँ. तो मैंने फर्स्ट वाला स्टार्ट कर दिया है, ठीक है. C2 इक्वल्स टू C2 प्लस C1 भी करेक्ट है, उससे भी आंसर आएगा. बेसिकली मिलना क्या चाहिए, 5 माइनस 5, उसी के सामने C1 में कौन है? 5. आंसर इज 0, करेक्ट. फिर उसके बाद C3 में सेकेंड बंदा कौन है? 100 लिख दो. माइनस C1 में उसी के सामने कौन है? 1 99, करेक्ट. फिर थर्ड बंदा कौन है C3 में? 105 माइनस 6, 105 माइनस 6, करेक्ट. दैट इज अगेन 99. नाउ ये कौन बना? ये आपका न्यू C3 बना, ठीक है. न्यू C3 तो लिखो यहाँ पे, बाकी के सब एज इट इज, उन्हें कुछ नहीं करना है, नो टचिंग. ओके यहाँ पे आएगा 0, 99 99. अभी कौन सा प्रॉपर्टी यूज करे? आइडेंटिकल. नाउ व्हिच प्रॉपर्टी? हाँ आइडेंटिकल, स्माइल, स्माइल वाला प्रॉपर्टी. कैसे? देखो ये दोनों सेम है ना, स्माइल बनी, करेक्ट. यस स्माइल वाला, करेक्ट सानिका. सो स्माइल वाला प्रॉपर्टी, इसको आप नाम दे दो. सो ये क्या बना, देखो दिस इज नथिंग बट, अभी ये प्रॉपर्टी क्या है फॉर दोज हु आर न्यू. ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन नहीं है. अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो बिकॉज देर आर आइडेंटिकल कॉलम्स, ये कॉलम बोलते हैं इसको, वर्टिकल होते हैं कॉलम बोलते हैं. अगर मुझे सेम टू सेम कॉलम मिले दो, तो मैं लिख सकती हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट इज डायरेक्टली इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे सेम मिला है, ठीक है. डिटर्मिनेंट इज डायरेक्टली इक्वल टू 0 एंड सिंस डिटर्मिनेंट इज 0, देखो डिटर्मिनेंट का ये भी साइन है, ट्रायंगल, छोटू सा ट्रायंगल. Therefore, matrix is singular. तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए. आपको वही पूछा है, मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं वो बताओ.
तो आप जैसे भी चाहो मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो यूजिंग नॉर्मल मेथड या यूजिंग प्रॉपर्टीज, बट जो भी आंसर आए उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन द फाइनल वन. सॉल्व द थर्ड वन. Okay, that is determinant of kya hai numbers 3 minus 2 3 5 1 2 7 4 5. Yes, iska determinant batao. नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो. प्रॉपर्टीज आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई अप्लाई होगा. ठीक है, जब भी नॉर्मल 10 के नीचे वाले नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो नॉर्मल से ही आपका सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल से काम चल जाए. फॉर दोज हु स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ डाउट हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट, वापस एक बार रिकैप आप लोगों के लिए. देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स एक ऐसा एक नंबर होता है, यूनिक नंबर. फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ले लो, थ्री, और फिर लिख दो डिटर्मिनेंट का साइन. ठीक है, अभी थ्री को टारगेट किया तो थ्री के मोहल्ले वाले सबको उड़ा दो, मतलब थ्री का रो एंड थ्री का कॉलम कैंसिल. जो कौन भी बचेगा उसको यहाँ पे लिखो ऐसे, राइट. अभी सेकेंड एलिमेंट लिखने से पहले आपको लिखना है माइनस साइन, ये कंपल्सरी है. ओके, माइनस साइन के बाद यहाँ पे आगे जो भी आएगा वो भगवान भरोसे. मतलब क्या, ये मैं इरेज करती हूँ. ओके, वैल्यू करेक्ट है सानी का? जस्ट चेक एक बार. यस, हाँ. तो मैं आई वाज सेइंग कि सेकेंड नंबर लिखने से पहले, सेकेंड एलिमेंट लिखने से पहले माइनस साइन कंपलसरी. सेकेंड एलिमेंट को टारगेट किया, लिखो यहाँ पे, फिर अगेन डिटर्मिनेंट, फिर उसके मोहल्ले को उड़ा दो. ठीक है, फिर कौन बचा? फोर एंड फाइव. पार्थ करेक्ट, वेरी गुड, पार्थ का आंसर करेक्ट है. तो सानी का चेक योर वैल्यू, इट्स नॉट 45. यस, अभी हो गया सेकेंड के साथ. थर्ड एलिमेंट लिखने से पहले लिखना है प्लस साइन. ठीक है, तो ये भी कंपलसरी है, प्लस साइन. उड़ा देते पहले, ये इरेज कर देते हैं. थर्ड एलिमेंट को टारगेट बनाया, वेरी गुड जील, इट इज करेक्ट. थर्ड एलिमेंट रो और कॉलम को उड़ा दो, और जो भी बचता है वो हम यहां पर लिखते हैं. करेक्ट सानिका, वेरी गुड, दिस टाइम इट इज करेक्ट. नाउ लेट मी सॉल्व इट. कैसे सॉल्व करना है? थ्री, अभी ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है? टू क्रॉस टू, वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो वन इंटू फाइव, दैट इज फाइव, माइनस साइन, ये भी कंपल्सरी. टू इंटू फोर, टू फोर आर एट, माइनस फाइव, इंटू माइनस टू इंटू फाइव, माइनस टेन, माइनस साइन कंपल्सरी. थ्री फोर आर ट्वेल्व, और ये जो नीचे है मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट, प्लस सेवन इंटू अगेन माइनस फोर माइनस थ्री. ठीक है, तो माइनस साइन जब भी बहुत ज्यादा आ जाए. यस, वेरी गुड रुष्टि. नो स्नेहा, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. कुछ तो माइनस प्लस का गड़बड़ किया है स्नेहा. सी, सो थ्री ये हो जाएगा माइनस थ्री. माइनस साइन के साथ दोस्ती करके रखो. ठीक है, जब भी वो आता है ना उसको ब्रैकेट्स में लिखो. 22 माइनस 7 माइनस 9, 5 इंटू 22 विल बी नो ओम. नो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस है ना, तो प्लस. ठीक है, दैट इज 110,
एंड ये माइनस प्लस और माइनस माइनस 49, तो 110 माइनस 9 माइनस 49 दैट इज 52. ओके, तो आंसर चाहे जो हो वो नॉन जीरो होने वाला है. ओके, सो ओम एंड स्नेहा चेक करो कहाँ पे मिस्टेक किया, कुछ तो माइनस साइन और प्लस साइन का झोल किया होगा. सी एंड सिंस ट्रायंगल और डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट, सो देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है. ये फाइनल आंसर नहीं लिया ना तो भी चलेगा, आपको पता है इसका आंसर तो पूरे दुनिया में या फिर कुछ भी कर लो इसका आंसर तो जीरो नहीं आने वाला, दैट यू नो. सो बस इसके बाद भी अगर नॉट इक्वल टू जीरो लिख के यू विल राइट डाउन द लास्ट लाइन, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. ओके, वेरी गुड सानिका, ठीक है. तो अभी डिटर्मिनेंट में नो गड़बड़, मेजोरिटी एटलीस्ट है ना. यस, ओके, वेरी गुड. चलिए, हाँ गड़बड़ अभी कम हो गई है. यस, लास्ट टाइम से तो गड़बड़ कम हो गई है. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट है बट अच्छा वाला ट्विस्ट है. क्या है, क्या बोला है, फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर. बोल दिया है कि ये सिंगुलर है, ठीक है. इट इज नॉट ए क्वेश्चन मार्क, इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क कि हाँ ये है सिंगुलर. यहाँ पे क्या बोला था, सिंगुलर है, क्वेश्चन मार्क था. तो इसलिए हमने फाइंड किया डिटरमिनेंट. यहाँ पे ऑलरेडी बोला है सिंगुलर है, तो आप क्या बोलोगे कि सी. अभी ये वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज ही होना है, ये इंग्लिश का ट्रिक है, ठीक है, कि दिस इज सिंगुलर मतलब क्या, कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी. तो इस चीज का डिटरमिनेंट इज ऑलरेडी इक्वल टू जीरो, आपको फाइंड आउट करना है कि दैट्स इट. सो के माइनस वन, थ्री वन, टू वन, माइनस टू, थ्री टू फोर, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो. दिस इज गिवन, इट इज गिवन, ठीक है. अभी इसको फाइंड कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, नॉर्मल डिटरमिनेंट k माइनस वन इंटू फोर माइनस माइनस टू, ठीक है. तो हमेशा ब्रैकेट्स यूज करो अच्छे से. सी वन फोर माइनस माइनस फोर, माइनस एन कंपल्सरी, सेकेंड टर्म टू, थ्री फोर जार ट्वेल्व, माइनस टू प्लस थ्री इंटू माइनस सिक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. अभी एक इक्वेशन है ना, और इसमें अननोन कितना है, एक अननोन है, तो कर सकते हो कि नहीं सॉल्व, एकदम सिंपल एलजिब्रा. चलो बताओ क्या आएगा के का आंसर, कम ऑन, लेट मी सी किसको आंसर्स आते हैं, देन आई विल सॉल्व. तो मैंने स्टार्ट करके दिया है, इसके आगे सॉल्व करो. वेरी गुड सानिका, नाइस स्पीड. तो यही स्पीड होनी चाहिए हाँ सीईटी में भी, गुड गुड.
Correct, Parth. Very nice. Very good, Zeal. Very nice. Zeal bhi ekdam form mein. Good. Oh, point में लिखे हैं answer ओम जाधव. Let me check. Correct है, very good ओम. So point में लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपका fraction में आ रहा है तो fraction में भी रख सकते हो. Point लिखा then also it is fine. But इतना ज्यादा तकलीफ मत उठाओ अगर point में करना है तो. Okay, very good वृष्टि, very nice. आज वृष्टि भी फॉर्म में एकदम. ओके, यस प्रियंका, वेरी गुड, वेरी गुड ओम. या नो Zeal, सी कभी भी ना खुद पे भरोसा करने का, ठीक है? अगर आपको ऐसे भी लगता भी है ना कि ये रॉन्ग है आंसर, फिर भी बताओ, ठीक है? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग मैं बोलूंगी, है ना? और कोई आपको देखने तो आने वाला है नहीं, सब लोग घर पे बैठे अपने अपने, राइट? तो ये ऑनलाइन का बहुत ज्यादा फायदा उठा लो, जितने चाहे रॉन्ग आंसर्स दे दो, क्योंकि कोई आपको देखने नहीं वाला फिर कि हाँ किसने रॉन्ग आंसर दिया, जरा फेस तो दिखाओ, ऐसे कोई करने नहीं वाला, है ना? यस, वेरी गुड. सो सबके आंसर्स एकदम करेक्ट आ रहे हैं, दैट इज 49/8. ओके, वेरी मैन, वेरी गुड, वेरी गुड. सब लोग आज एकदम मस्त फॉर्म में आए हैं. सो ये देखो ये कैसे होगा, के माइनस वन फोर, अभी ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस टू इंटू टेन प्लस थ्री इंटू माइनस सेवन जीरो. तो के माइनस वन को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, एट के माइनस एट माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू जी. अब ये नॉर्मल एलजेब्रा है आपका, ठीक है? ऐसे होगा माइनस फोर्टी नाइन, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा 8k equals to 49, so therefore k is equal to, k is equal to 49/8. ठीक है, तो यहां तक भी आंसर करेक्ट है, और 6 point something something जो भी आंसर्स दिए हैं आप लोगों ने वो भी करेक्ट है, 6.2 या 6.125 इज ऑल्सो करेक्ट. बट इतना तकलीफ मत लो डिविजन करने का, 49/8 तक भी रखा तो भी चलेगा. वेरी गुड. चलिए तो देखो, सिंगुलर पे दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक तो बोलेंगे, पूछेंगे कि सिंगुलर है क्वेश्चन मार्क, नहीं तो बोलेंगे कि सिंगुलर है और आप कुछ अलग फाइंड आउट करो तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है? तो समझो क्वेश्चन क्या लिखा है इंग्लिश, ठीक है? अच्छे से समझो. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी आते हैं सिमेट्रिक. ओके, सिमेट्रिक बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, ठीक है गाइस? बहुत ही ज्यादा चिंदी क्वेश्चन है, कुछ करने जैसा नहीं है इसमें. ओके, कुछ भी करने जैसा नहीं है, बट स्टिल हम करेंगे. दो मेथड्स है इसको करने के लिए. ओके, दो मेथड्स है. अगर ये क्वेश्चन आता है लेट से 3 या 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, तो आपको पूरा मतलब 2-3 स्टेप्स करके थोड़ा सा अच्छा बड़ा बड़ा लिख के थोड़ा ऐसे दिखाना पड़ेगा. अगर 2 मार्क्स के लिए आता है या 1 मार्क के लिए आता है या एमसीक्यू में आता है, ठीक है? आपको बोला ए बी सी, मैं सिर्फ देख के बता सकती हूँ ए बी सी क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं. ओके, सो चाहे तो हम इसको बहुत ही बड़ा एकदम लेंदी भी लिख सकते हैं, चाहे तो एकदम छोटा सा भी लिख सकते हैं.
करेक्ट सानिका, वेरी गुड। तो आप मेरी बात समझ गए, इसे देख के भी हमें पता चलेगा ए बी सी कौन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग पूरा जो नॉर्मल मेथड है उसी से सॉल्व करेंगे। तो हमने फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक प्रॉपर्टी देखी थी, ओके एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे लिखा था ए इज इक्वल टू ए डैश। नाउ ए डैश इज ट्रांसपोज। यस ओम, वेरी गुड। सो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, डैश मतलब क्या ट्रांसपोज, या फिर यहाँ पे टी भी लिखा हो सकता है। सो ए रेज टू टी या ए डैश, दोनों का मीनिंग होता है ट्रांसपोज, ओके। और ए आई जी इज इक्वल टू ए जे आई, तो ये एलिमेंट वाइज है, ये पूरे मैट्रिक वाइज है। सो इफ ए इज इक्वल टू, ठीक है ए कौन है, वन थ्री बाय फाइव ए, बी माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस फोर सी जीरो, ओके। तो अगर ये ए है तो इसका ए डैश क्या होगा, देयरफोर ए डैश, सॉरी ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज, दोनों भी करेक्ट है तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो स्लीप इज इक्वल टू वेक, इसके लिए क्या करती हूं मैं, क्या बोला था मैंने, स्लीप इक्वल्स टू वेक, मतलब क्या, जो लोग नए हैं उनके लिए रिपीट रिपीट टेलीकास्ट, जो लोग सोए हुए हैं उनको जगा दो, ठीक है जो लोग सोए हुए हैं उनको जगा दो। कैसे, देखो वन थ्री बाय फाइव ए लिखा मैंने उल्टा सुल्टा, है ना, जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकली लिखा, बी माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस फोर सी जीरो, आपको ट्रांसपोज मिल गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, हाँ नहीं तो बोलोगे ये क्या है, ये ट्रांसपोज, ठीक है इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब ये और ये दोनों सेम है। अभी हमको करना क्या है, तो जहां पे बी था उस जगह पे अभी कौन है, जहां पे बी था उस जगह पे अभी कौन है, थ्री बाय फाइव। जहां पे ए था, ए कहा था मेरा, ये उस जगह पे अभी कौन है, माइनस फोर, है ना। और जहां पे सी था उस जगह पे अभी कौन है, माइनस सेवन। मिल गया आपको आंसर, ओके। सो इसको लिखेंगे कैसे, सिंस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो मैं ए को यहां से उठाती हूं, इधर आ गए, ठीक है, और ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज को भी उठाती हूँ यहां से, ये आ गए यहाँ पे, एरोस को हटा दिया, दीज आर इक्वल। तो मुझे बस ए बी सी से मतलब है, ए बी सी को मैंने सर्कल कर चुकी हूं मैं। सो ए इज माइनस फोर, बी इज थ्री बाय फाइव एंड सी इज माइनस सेवन, दैट्स इट। यस सानिका, यस योर वॉइस इज ब्रेकिंग, हेलो कैन यू हियर मी, हेलो, अच्छा सबको ब्रेकिंग आ रही है क्या, अभी ठीक है, हाँ ठीक है, ओके गुड। यस, सो बेसिकली अगर आपको ये पूरा थ्री या फोर मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है ना, तो ये सब दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई पहले मेरे पास प्रॉपर्टी है, फिर मैंने गिवन को ए पकड़ा, ठीक है ए मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर वापस प्रॉपर्टी लिखा टाइम पास, है ना लिखा, फिर सब्स्टिट्यूट किया, और अभी मुझे पता है बीच में इक्वल टू साइन है, तो ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय फाइव, सी इज इक्वल टू माइनस सेवन। सो ये हो गया पूरा लंबा प्रोसीजर, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, इससे आपको आराम से थ्री फोर मार्क्स मिल जाएगा। ये कभी करोगे, जब ये थ्री फोर मार्क्स का क्वेश्चन हो तभी, ठीक है, बट अगर टू मार्क्स का क्वेश्चन है
या फिर एमसीक्यू है, अभी एमसीक्यू में तो आपको कोई स्टेप्स पूछेगा नहीं, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली कैसा कैसा बाबा, देखो जोड़िया बनाओ, जो मैंने बोला था ना कैसी जोड़िया बनती है, जोड़िया बनाओ, तो ए कौन है माइनस फोर, बी कौन है ये, सी कौन है ये, दैट्स इट। सो अगर डायरेक्ट करना है तो क्या करोगे, जोड़ी बनाओगे, करेक्ट, डायरेक्टली करना है तो। अगर पूरा सॉल्व करना है तो ऐसे करोगे, तो बोथ द वेज, अभी ये मैंने ट्रांसपोज वाला लिया, आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, अगेन जोड़ी वाला, तो ये कौन है, ये जोड़ी वाला, और ये है ट्रांसपोज वाला, कोई भी मेथड ले लो, आपको आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है, समझ गए? Yes. Yes? हाँ. तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है रही है मैट्रिसेस में, कुछ ज्यादा आपको कोई परेशान नहीं करने वाला मैट्रिक्स, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला, बट कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों भी सेम चीज है, ट्रांसपोज लो या एलिमेंट्स को कंपेयर करो, सेम ही चीज है, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, तो मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा देती हूँ। यस, ओके, आगे बढ़े, यस आंसर, ठीक है, कम नेक्स्ट, अभी ये भी है मस्त वाला क्वेश्चन एकदम, बताओ इफ एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई जेड इफ दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको बोल दिया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, बोला है, पूछा नहीं है, बोला है, तो क्या करोगे, यस चेंज द साइन, तो आपको सेम ही है, देखो पहले मैं डायरेक्ट वे से समझाती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट सपोज ये एक वन मार्क का क्वेश्चन है, टू मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपने को पता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए आई जी ए इज इक्वल टू माइनस ए जी आई, तो सेम ही होता है, बस माइनस साइन का डिफरेंस होता है, यस आने का, करेक्ट, सो जोड़िया बना दो, देखो पहली जोड़ी, ठीक है, दूसरी जोड़ी, एंड ये है तीसरी जोड़ी, तो x कहाँ पे है, x is 3/2, माइनस हो जाएगा, y is माइनस 5i, बट ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मैं साइन चेंज करवा रही हूँ, करेक्ट करेक्ट, गुड, वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं, पार्थ ने करेक्ट आंसर दिया है, ओम ने भी करेक्ट आंसर दिया है, और किसने दिया, सानिका ने भी दिया है, वेरी गुड गुड गुड, तो z is root 2, है ना, यस, तो देख के भी आपको आ जाएगा, यस मानसी, वेरी नाइस, गुड, वेरी नाइस, तो ऐसा मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रही हूँ, एकदम मैं होस्ट हूँ, आप सब लोग कंटेस्टेंट्स हो, तो जो सबसे पहले आंसर देता है, बट फिर सब लोग ही दे देते हैं आंसर एकदम रपारप सबके सब, ठीक है, वेरी गुड, तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड, सिर्फ देख के ही आप बता सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है, बट अगर इसको लिखना है, इफ यू वांट टू राइट इट और इफ यू वांट टू सॉल्व इट, तो सॉल्यूशन सेम जैसे कि मैंने प्रीवियस केस में बोला था, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, और ए आई जी, अभी ये देखो, ये कैपिटल ए मतलब पूरा मैट्रिक्स, स्मॉल ए मतलब एलिमेंट, इक्वल्स टू माइनस ए जी आई, तो बस वही करेंगे, पहले ए लिख लो, ए कौन है, जीरो, वाई 3/2, माइनस 5i, जीरो माइनस रूट टू, एक्स जेड जीरो, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ओके, ए ट्रांसपोज, स्लीप इज इक्वल टू वेक,
0, minus 5ix, y, 0, z, 3 by 2, minus 2, root 2, 0. ओके अभी इसको क्या करना है मुझे माइनस साइन से मल्टीप्लाई. सो सी माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज मतलब क्या हर एक एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो. जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, माइनस फाइव आई को करोगे तो फाइव आई, एक्स को करोगे तो माइनस एक्स, फिर वाई माइनस वाई, ये भी जीरो, माइनस जेड, ठीक है ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू रूट टू जीरो. अभी क्या करना है बस कंपेयर, सिंस ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज तो उठा लेते दोनों को. उपसी. इसको उठाएंगे यहाँ पे रख दो एंड इसको भी उठाएंगे. तो ये सिर्फ ट्रांसपोज नहीं है, ट्रांसपोज और माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया है हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है इक्वल्स. ओके इक्वल्स तो यहाँ पे ना हम लोग दो एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं या सीख रहे हैं. वन इज द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस एंड सेकेंड इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो मैं अभी आपको बताने वाली, ठीक है नेक्स्ट जो मैं अभी करवाने वाली हूँ उसमें वो आएगा, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं पहले. अभी बस यहाँ पे एक्स वाई जेड कहाँ पे है, x x की जगह पे ये है y एंड z. आ गए आपके आंसर्स. y इक्वल्स टू 5i एंड z इक्वल्स टू रूट टू, करेक्ट. सो डायरेक्टली करो या पूरे स्टेप के साथ करो आपको आंसर सेम मिलेगा, बट स्टेप्स कभी करना है डायरेक्टली कभी करना है ये ध्यान में रखो, ठीक है ना. या फिर इसको मैं बोलूंगी शॉर्टकट. शॉर्टकट सिर्फ वन मार्क क्वेश्चन या फिर टू मार्क क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू के लिए, पूरा थ्री या फोर मार्क का क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करना है. ये सबका क्लियर है? यस मैम. ओके गुड. ओके सो आई थिंक देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस. चलेगा ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 लिखती हूँ मैं यहाँ पे, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, ठीक है सेम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 9. ओके यूजिंग ट्रांसपोज, ठीक है ट्रांसपोज का नॉलेज या ट्रांसपोज यूज करके आपको बताना है स्टेट वेदर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर. तो ऐसे भी हो सकता है कि सिमेट्रिक भी नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, तो वो क्या है नॉर्मल मैट्रिक्स है. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए. ओके सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई एम राइटिंग डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. That is 1, 2, minus 5, 2, minus 3, 4, minus 5, 4, 9. ठीक है ये हमको बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है कि कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं बता. सिमेट्रिक है. यस यस. अभी तो एकदम एकदम हम लोग ऐसे माहिर हो चुके हैं सिमेट्रिक को पहचानने के लिए. आप बस आंखों ही आंखों में जोड़िया समझ लोगे है ना, एंड यू कैन सी
यस, तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो वेरी इजिली यू कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक, बट यहाँ पे बोला है कि यूज द ट्रांसपोज, मतलब ये 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है. सो जोड़ियों से भी पता चलता है, बट अगर सॉल्व करना है तो क्या लिखे, वो भी कभी कभी हम कंफ्यूज कर देते कि लिखे क्या फिर अगर सॉल्व करना है. ओके, सो कोई भी अगर आपको पूछा है कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये पूछा है, तो सबसे पहले तो ए, अगर ये ए है, सपोज मैं इसको पकड़ती हूँ ए, तो मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है, ए डैश या ए ट्रांसपोज. तो पहले मैं इसका ए ट्रांसपोज लिख लेती हूँ. सो 1, 2, 5, -5, 2, -3, 4, मतलब स्लीप इज इक्वल टू वेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे, -4, -5, 4 and 9. बट वो करने के बाद भी आई कैन सी सिंस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, आप देखो दोनों भी सेम टू सेम है ना, ट्रांसपोज लेने के बाद भी करेक्ट. देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो ये आपका प्रूफ है. ओके, तो अदालत सबूत चाहती है, राइट, तो सबूत है कि हाँ ये मैट्रिक्स है. ओके, तो अगर ऐसा बोला है यूज ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करके दिखाओ, उसके लिए भी मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के लिए मार्क्स होते हैं. अगर सिर्फ एमसीक्यू है, सिर्फ वन लाइन है, डायरेक्टली लिख दो सिमेट्रिक, बात खत्म. तो देखो लास्ट टाइम हमने क्लासिफाई किया था, तो क्लासिफाई में सिर्फ पूछा था कि सिमेट्रिक है, कौन सा है, क्या है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक लिखा था, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, यहाँ पे प्रूफ दिया है. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. नंबर 2, ये 3 है टेक्स्ट बुक वाला. ओके, आई थिंक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ है ना अभी तक? नो मैम. ओके ओके ओके, अच्छा तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं ले सकते. अच्छा कोई बात नहीं, ये हम लोग बाद में करेंगे. ठीक है, कभी जब हम मैट्रिसेस का रिवीजन करें, या फिर एंट्रेंस में करेंगे, एंट्रेंस जब मैं सिखाऊंगी इस चैप्टर का, तभी कर लेंगे, और नहीं भी गया तो भी आप समझ जाओगे. ठीक है, तो आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो सब आप सीखोगे, इट इज अ चैप्टर इन मैथ्स ओनली, यू विल सी दैट चैप्टर. ठीक है, पढ़ोगे आप उसके बारे में, बट उसके पहले ही अगर मैं बताऊंगी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो इसको ना हम थोड़ा सा रख देते साइड में, बाद में करेंगे. ओके, सो विल डू दिस लेटर, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा, फिर करेंगे. ठीक, तब तक हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. ओके, या सी, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. देखो, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स. हाँ, ये इसकी खास बात है, मैट्रिक्स दिया नहीं है आपको, आपको खुद ही बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, आप खुद ही बना लो, बट उसका फॉर्मूला दिया है उसने, ए इज इक्वल टू ए आई जे एलिमेंट, और ये दिया है ऐसे, वेयर, जैसे क्वेश्चन में है, जैसा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, मैं वैसा ही लिख रही हूँ. ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे. अभी ये पहले तो आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. जिसको भी ये सूझ रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, आप बनाओ मैट्रिक्स. मैं क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ. स्टेट वेदर A is symmetric or skew symmetric.
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यस पार्थ करेक्ट, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. कैसे समझा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है? 3 by 3. हाँ, वेरी गुड. ऑर्डर की वजह से है ना. तो सॉल्यूशन ये जो हमको दिया है ना, ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 × 3. तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, इट इज अ 3 × 3 मैट्रिक्स, जिसका हर एक एलिमेंट विल बी क्या, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. करेक्ट. मैंने हर एक एलिमेंट लिख दिया. अभी अपने को क्या फॉर्मूला दिया है ए आई जे के लिए? गिवन ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे. तो आपके पास 9 वैल्यूज है आई और जे के लिए. देखो, अगर मैं इसमें a11 सब्स्टिट्यूट करूं, a11, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1, 0. अगर मैं यहाँ पे a12 सब्स्टिट्यूट करूं, तो ये क्या बनेगा, 1 - 2, -1. a13 सब्स्टिट्यूट करूं, तो 1 - 3 क्या बनेगा, -2. है कि नहीं? मतलब मैं ये सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ इस फॉर्मूला में, राइट? यस. अगर मैं वैसा कर सकती हूँ तो ये मुझे 0 मिला है, ये -1 मिला है, ये -2 मिला है. मुझे सेकेंड रो बताओ क्या आ रहा है. a21 दैट इज 2 - 1, 0, -1. -1, करेक्ट. वेरी गुड सानिका आल्सो. एंड थर्ड रो, 2 - 1, 0, 2 - 1, 0, करेक्ट. ये सबको समझा है क्या, कैसे लिखा मैंने ये मैट्रिक्स? क्वेश्चन में तो नहीं दिया था. एवरीवन रिस्पॉन्ड इन द चैट, कम ऑन. अच्छा, 2 क्रिश है हमारे पास, है ना? यस, 2 सुपर हीरोज है, 2 क्रिश, एक क्रिश शुक्ला है और एक क्रिश जाधव है. वेरी नाइस, गुड. एंड 2 सानिका भी है, वेरी नाइस. ठीक है, ओके. तो ऐसे भी कर सकते हैं आपके साथ, बोलेंगे कि आप खुद ही मैट्रिक्स बनाओ और आपको कोई भी एक फॉर्मूला दे देंगे. ठीक है, अभी ये तो एकदम सिंपल था, आई माइनस जे. इससे थोड़ा सा हटके भी हो सकता है, बट प्रोसीजर सेम है. तो ये जो सारा रफ वर्क है वो दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. ओके, तो ये सारा रफ वर्क है यहाँ पे. बस ये लिख दिया, ये लिख दिया, मेन चीज हो गई अपनी. अभी ये मैट्रिक्स बताओ क्या है, सिमेट्रिक किसको सिमेट्रिक? जोड़िया बनाओ, बताओ. क्यू सिमेट्रिक है ना. सी, जोड़ी, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, एंड दिस एंड दिस, तो सेम नंबर है बट -10 का डिफरेंस है. तो आप लिख सकते हो, सिंस ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई. अभी ये जो कंडीशन है वो है सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक के लिए, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए. सो देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. और देखो, ऑटोमेटिकली इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स भी 0, 0, 0 आ गए. दैट इज ऑल्सो वन डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, बट दिस इज अ मेन डेफिनेशन. समझा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन? यस मैम. हाँ, तो 2 to 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पे थोड़ा सा और भयानक फॉर्मूला दे सकते हैं, बट कोई नहीं, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट द सेम वे. ओके, यस. सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 4.4 गाइस. ओके, 4.4 कंप्लीट, जो कि था पूरा बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. अभी हमने इतने सारे टाइप्स देखे, बट इन टाइप्स के साथ करना क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना. यस, सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक पूरा डन. नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, है ना.
Everyone can see my screen? Yes, ma'am. Okay, wonderful. Yes. So हमने ये पहले तीन parts देखे थे last time, types of matrices और फिर transpose भी देखा. अभी हम देखते हैं algebra of matrices कि भाई क्या कर सकते हैं. जैसे हम numbers के साथ कुछ भी कर सकते हैं, we can play with numbers, normal numbers. So वही चीजें हम matrices के साथ कर सकते हैं कि नहीं, बस वही देखना. सबसे पहले आता है इक्वालिटी. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. नाउ व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस? इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट वेरी यूजफुल, और अभी हमने यूज भी कर लिया कुछ क्वेश्चंस में. सो आप दो मैट्रिक्स इक्वल है ये कभी बोल सकते हो? जब भी उनका ऑर्डर सेम है. दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, एंड जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब अगर ए में फर्स्ट एलिमेंट टू है तो बी में भी फर्स्ट एलिमेंट टू ही होना चाहिए. ठीक है, अभी देखो मैंने तीन एग्जांपल्स दिए यहाँ पे ए बी सी के. तीनों के ऑर्डर सेम है बट ए और बी देखो क्या वो सेम टू सेम है? एकदम डिट्टो कार्बन कॉपी? नो. कहाँ डिफरेंस है? एक एलिमेंट. हाँ, फाइव और सिक्स. तो यहाँ पे देखो ये फाइव है, ये सिक्स है, वैसे ये सिक्स है, ये फाइव है. तो छोटा सा एक गलती है, मतलब थोड़ा सा अलग है, तो वो इक्वल नहीं बोल सकते. वैसे बी और सी भी इक्वल नहीं है बट ए और सी देखो आधे एग्जैक्टली सेम. यस. तो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट सेम होना चाहिए. इन शॉर्ट एकदम सेम टू सेम मैट्रिक्स, मतलब एकदम ऐसा कार्बन कॉपी होना चाहिए एक दूसरे का, तभी आप बोलोगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है. चलेगा? या सी, सो हियर ए एंड बी आर नॉट इक्वल, नॉट एट ऑल, क्योंकि ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं इक्वल होने की. थर्ड एग्जाम्पल देखो, पूरा सेम टू सेम है, मतलब एकदम सेम टू सेम. ना मिरर इमेज भी नहीं बोलूंगी मैं, मिरर में तो फिर भी थोड़ा बहुत उल्टा दिखता है, राइट और लेफ्ट उल्टा हो जाता है, बट ये पूरा का पूरा कार्बन कॉपी है. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस? यस मैम. वंडरफुल. ठीक है, देन वी गो टू मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ये अलग मल्टीप्लीकेशन है, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं है. जैसे थ्री फाइव जा करते हो, फाइव सिक्स जा करते हो, वैसा नहीं. ठीक है, एक मैट्रिक्स है और एक नंबर है. के क्या है? स्केलर. स्केलर माने आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा है कि नहीं? यस. हाँ, व्हाट इज द स्केलर टेल मी? जरा फिजिक्स वाला डेफिनेशन सुना दो. जमीन आसमान का फर्क है दोनों में. तो जब आप एक नंबर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो वो डिनोट कैसे करेंगे? हम लोग डिनोट करेंगे पॉइंट टू देखो के ए से, k टाइम से. एंड ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा. एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे टू एक नंबर है और फोर जीरो वन माइनस नाइन ये एक मैट्रिक्स है. तो अगर मुझे टू को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे कि अगर आप घर पे आइसक्रीम लाते हो तो हर एक को मिलती है ना? यस और नो? यस. मिल बांट के खाते हैं, वैसा ही है. तो ये टू, इसको समझो ये एक फैमिली पैक है आइसक्रीम का, सबने मिल बांट के खाया. सो टू फोर को भी गया, टू जीरो से भी मल्टीप्लाई होगा, टू वन से भी होगा और टू माइनस नाइन से भी होगा. तो आंसर विल बी दिस. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस मैम. हाँ, दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन. और एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, देखो टू टाइम्स ए
टू इज अ नंबर, ए इज अ मैट्रिक्स, दोनों अलग अलग चीजें. देखो टू इतना सा नंबर है, मैट्रिक्स कितना बड़ा है. कैसे करोगे मल्टीप्लाई? टू को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से. देखो सेकेंड स्टेप, देखो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया एंड जो भी आंसर आया है दैट विल बी टू. सो इसको डिनोट करोगे टू ए से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है के ए, और ए का ऑर्डर और इसका आंसर का ऑर्डर सेम टू सेम है. ऑर्डर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एलिमेंट्स को कम ज्यादा नहीं कर रहे, आप बस उनको मॉडिफाई कर रहे. ओके समझे? यस मैम. यस. सो इक्वालिटी एंड मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर बहुत ही सिंपल है बट बहुत यूजफुल है. अभी हम लोग आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन. एडिशन सब्ट्रैक्शन, सी इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन देयर एडिशन इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी. हाँ तो इसमें ना एक खास बात आपको नोट करनी है कि अगर आपको ऐड करने हैं दो एलिमेंट, दो मैट्रिसेस, अभी हम दो अलग अलग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उनका साइज सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. अलग अलग ऑर्डर है तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते. ओके देखो फर्स्ट एग्जांपल, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स एक है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, हो ही नहीं सकता, वी कैन नॉट ऐड देम. ओके इट इज नॉट पॉसिबल बट वी कैन ऐड दिस वन सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल. समझ रहे हो डिफरेंस? यस टीचर. तो ऑर्डर सेम होना चाहिए बस, फिर आप ऐड कर दो. अभी ऐड कैसे करें वो भी एकदम सिंपल है. देखो ये दोनों मैट्रिक्स है, 3, 8, 4, 6 फर्स्ट मैट्रिक्स, 4, 0, 1 एंड -9 सेकेंड मैट्रिक्स. कैसे किया ऐड? बस पहले वाले को उठाओ, यहां से भी पहले वाले को उठाओ, दोनों को ऐड करो हवे में और आंसर लिख दो आंसर मैट्रिक्स में. है ना इजी? सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर. जैसे कि 8 + 0 हो गया 8, यहाँ पे कैलकुलेशंस भी दिए हैं. 4 + 1 हो गया 5. 6 + -9 होगा बिकॉज -9 है तो वो हो गया -3. समझे? वेरी इजी एडिशन, पॉइंट टू पॉइंट. यहाँ पे जो फर्स्ट है वहां पे फर्स्ट है, आंसर में भी फर्स्ट ही आएगा. यहाँ पे सेकेंड है, दूसरे में भी सेकेंड है, आंसर में भी सेकेंड प्लेस पे ही आएगा. समझ रहे हो? यस. सेम तरह से मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू एडिशन, बस उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए माइनस बी से. ठीक है तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को. देखो सेम एग्जाम्पल लिया है मैंने, मैट्रिक्स एकदम सेम टू सेम है, बस मैंने माइनस साइन बीच में डाल. ओके यस मैम. चलेगा? यस. ठीक है ठीक है. ओके सो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है. ठीक है मैं बता रही हूँ आपको, पूरा चैप्टर ना इतना इजी है, उसमें से सिर्फ जहां पे आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फेस होगा या कंफ्यूजन होगा वो है प्रॉपर्टीज वाला एक्सरसाइज 4.2 एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज जो है 4.6. बाकी के जो सात, टोटल सात एक्सरसाइज है, बाकी के जो पांच है वो एकदम सिंपल. सो मेरे पे भरोसा रखो, सिंपल बोल रही हो तो वो एक्चुअली सिंपल है. ठीक है तो ये आपको मिल जाएगा. ओके नाउ लेट अस स्टार्ट और डू सम क्वेश्चंस सो दैट और अच्छे से ये समझ आ जाए. ओके सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज ओनली, एकदम इजी वाले करते पहले 4.5. चलो 4.5. ओके सबसे पहला क्वेश्चन, इफ
A is equal to 2, 5, -6 and -3, -4, 1. ठीक है, मेरे साथ ही लिख लो क्वेश्चन भी. B is -1, 2, 0, 2, 2, 3 and C is 4, -1, -2 and 3, 4, 1. Okay, show that. कुछ प्रूफ करना है हमें. शो दैट. ओके, इसमें भी जो सेकंड है, सेकंड सब क्वेश्चन वो पहले करेंगे. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है एडिशन का, एडिशन प्रॉपर्टी. इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव. तो ये प्रॉपर्टीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी. एकदम इजी है, ज्यादा कुछ नहीं डिफिकल्ट. लाइक नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए मैं ले लूंगी. बट क्या करना है इसमें, देखो आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है. एलएचएस में भी एडिशन है, आरएचएस में भी एडिशन है, बट ब्रैकेट है. ब्रैकेट का पोजिशन अलग, मतलब आपको पहले ए और बी एड करना पड़ेगा, फिर उसमें सी को एड करना पड़ेगा. आरएचएस में पहले बी और सी को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें ए को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, ये ऐसा है. बट कुछ भी करने से पहले मुझे बताओ, क्या हम ए बी सी को ऐड कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू ऐड? यस मैम. क्यों? देयर ऑर्डर आर सेम. वेरी गुड. यस, तो देयर ऑर्डर्स आर सेम, दैट इज 3x2. एम आई राइट? यस यस, तीनों के तीनों 3x2 है, तो आप इसको आराम से ऐड कर सकते हो. स्टार्ट कर दो एलएचएस से. जिसको आ रहा है आप पहले ही स्टार्ट कर दो, चलेगा. देखो ए प्लस बी बोला है, तो पहले मैं ए -3, -4, 1 प्लस बी कर देती हूँ -1, 2, 0, 2, 2, 3 एंड प्लस सी एज इट इज लिखती हूँ थोड़ी देर के. अभी इन दोनों को मुझे ऐड करना है. वेरी इजी. पहला टर्म ठीक है, ऐड करो. 2 -1 है, बट प्लस है बीच में, बट माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा 1. देन सेकेंड टर्म -3 + 2. ओके, चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट सम है. सो आई विल राइट इट लाइक दिस, इट विल बी बेटर. सो ये हो जाएगा 2 + -1. योगा 5 + 2. योगा -6 + 0. फिर सेकेंड कॉलम में -3 + 2, -4 + 2, 1 + 3. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कर दिए. ये क्या होगा, 1, 7, -6, C1, 170. ओम, आई एम नॉट श्योर आप क्या बता रहे हो आंसर. 170 किस बात का आंसर है ये? अच्छा, 170 ऐसे लिख रहे थे. ओके ओके, जीरो नहीं है वो, -6 होगा. एंड ये है -1, -2, 4. हाँ ये करेक्ट है. सो हम सॉरी ओम, C2 करेक्ट है. -1, -2, 4. ठीक है, ये हो गया. अभी प्लस सी कर देते हैं. सी कौन है? सी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. 4 -1 -2 एंड 3, 4, 1. करेक्ट. यस प्रियंका, वेरी गुड. एंड 2, 2, 5. करेक्ट.
Very good, Sanika. Correct, Priyanka. नहीं नहीं नहीं, माइनस साइन नहीं आएगा सी टू में. चेक करो, चेक करो, माइनस साइन में गड़बड़. सी, वन प्लस फोर फाइव, माइनस वन प्लस थ्री, तो प्लस टू आएगा ना, थ्री बड़ा है. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. सेवन प्लस माइनस वन तो सिक्स, माइनस टू प्लस फोर टू, माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट, फोर प्लस वन फाइव. करेक्ट? यस प्रियंका, चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मिस्टेक्स आर वेलकम, कर कितने भी मिस्टेक्स करो, चलेगा. अभी देख यहाँ पे ये LHS आ गया, RHS भी करना है आपको, दैट इज A प्लस बी प्लस सी. तो A लिख दो पहले और B प्लस सी पहले करेंगे. माइनस वन टू जीरो, टू टू थ्री, प्लस सी कौन है, फोर माइनस वन माइनस टू, थ्री फोर वन, है ना. चलिए बताइए मुझे A प्लस ये क्या आएगा, डायरेक्टली लिखो, इतना तो अभी कर ही सकते हम लोग. कॉलम वन कॉलम टू, अगर किसी को सेम नहीं आ रहा है आंसर, कंफ्यूज हो रहा है, तो मुझे आपका जो बुक है उसका फोटो भेजो, फिर मैं बता पाऊंगी कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे. कुछ भी, छोटू सा छोटा डाउट रहेगा तो भी चलेगा. करेक्ट, फाइव सिक्स फोर, करेक्ट सानिका, वेरी गुड, सानिका इज करेक्ट. ओम इज ऑल्सो करेक्ट. करेक्ट प्रियंका, गुड गुड. सो मतलब आ रहे हैं, अभी आपको एडिशन करना. करेक्ट ओम, वेरी गुड सानिका. ओम एंड प्रियंका आर ऑन फायर, वेरी नाइस. देखो नॉर्मल, अरे एडिशन करना है, इसको इसके साथ ऐड कर दो बस. माइनस वन प्लस फोर थ्री, वन माइनस टू, टू प्लस थ्री फाइव, टू प्लस फोर सिक्स, एंड थ्री प्लस वन फोर. सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. अभी ए लिख दो यहाँ पे, टू फाइव माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस फोर वन, इसको ऐड करके मुझे बताओ LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं. ठीक है, ये आपका LHS है, सेम टू सेम RHS आना चाहिए. आ रहा है, वेरी गुड जील. यस पार्थ, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट. यस, तो सेम टू सेम ही आएगा, आना ही चाहिए, क्योंकि वही प्रूव करना है हमें. ओके, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, तो ये तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी का आपने वेरिफिकेशन कर लिया. प्रॉपर्टी मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम, बट एडिशन समझ गए सब लोग अभी? नो डाउट एनीवन? No one. Very good, Om. That is the correct answer. Om. I guess आपका माइनस टू माइनस टू नहीं आएगा सेकेंड कॉलम में. चेक करो माइनस साइन. चेक करो, चेक करो. Yeah, okay, no problem. Okay. और new students जो बीच में से join हुए थे उनको समझा है? गुड, ठीक है, यस वेरी गुड. अच्छा, दोनों कृष को समझा है, गुड, ऑसम ऑसम. ओके, तो ये जस्ट एक स्टार्टिंग था,
हम लोगों ने देखा कि ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी एकदम सिंपल है, आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो आई विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चंस. और अभी मैट्रिसेस ये चैप्टर, ठीक है,